मित्रों नमस्कार, विविध भारती के खजाने से आज एक वरिष्ठ संगीतज्ञ से भेंट वार्ता हम चुन लाए हैं। ये नाम है प्रोफेसर बी आर देवधर, एक ज्येष्ठ संगीत शिक्षक, संगीत मनीषी के रूप में आज भी हम उन्हें याद करते हैं। गायक के रूप में उन्हें पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी से तालीम मिली और संगीत मर्मज्ञ के रूप में वो जिंदगी भर कण कण बटोरते रहे और जीवन के अंत तक संगीत सेवा में तत्पर रहकर कण कण लुटाते रहे। संगीत क्षेत्र की जानी मानी मासिक पत्रिका संगीत कला विहार के लिए उन्होंने चिंतनशील एवं शोध कार्य से परिपूर्ण लेखन किया, जिसमें गायक वादकों के चरित्र, संगीत इतिहास, संगीत क्षेत्र में विभिन्न घरानों के इतिहास लिखे। उनके इस कार्य से संगीत क्षेत्र को अनमोल निधि प्राप्त हुई है। संगीत क्षेत्र में तथा अन्यत्र भी आज जिस शब्द की, कल्पना की और परफॉर्मेंस की चर्चा होती है वो है वॉइस कल्चर। इस वॉइस कल्चर पर प्रोफेसर बी आर देवधर जी ने काफी काम किया। वर्ष 1989 में इस विषय पर उनकी एक पुस्तक भी प्रकाशित हुई। पंडित कुमार गंधर्व जी को उनसे मार्गदर्शन मिला। प्रोफेसर देवधर जी ने संगीत के क्षेत्र में खड़ी दीवारों को तोड़कर ऐसे वातायन बनाने की कोशिशें की जिससे संगीत क्षेत्र के संपूर्ण वातावरण में ताजा हवाएं बहने लगी। खैर, आइए प्रोफेसर बी आर देवधर से एस ठकार की बातचीत सुनते हैं। वर्ष 1982 में विविध भारती से ये पहली बार प्रसारित हुई थी। देवधर साहब नमस्कार। सबसे पहले आप ये बताएंगे, आप पिछले करीब 40-50 साल से अलग अलग संगीत सम्मेलनों में भाग लेते रहे हैं, श्रोता के रूप में, गायक के रूप में, आपने दोनों ही भूमिकाएं अदा की हैं, तो इन श्रोताओं की अभिरुचि में आप कोई अंतर पाते हैं? मैं अंतर तो ज़रूर है कि आजकल के श्रोते जो है ज़्यादा क्रिटिकल बने हैं और हर एक घराने में कुछ ना कुछ है इस दृष्टि से सुनने लगे हैं। जी हाँ, वो बात पहली नहीं थी। तो पहले के श्रोताओं की खास बात क्या थी? हमारे बचपन से थोड़ा सा कहूँगा। जी हाँ, कि जब मैं गाने सीखने लगा, जी 9-10-12 साल का था उस वक्त, नीलकंठ बुआ के पास हमारी गाने की शुरुआत हो गई। वो विष्णु दिगंबर जी के गुरु भाई थे। जी, उस वक्त तो ये एक धारणा थी सब जनते में, समझने वाले तो बहुत कम। एक तो गाने के प्रति किसी का भी, किसी के लिए, किसी के मन में आदर नहीं था। कोई बच्चा गाने लगा तो ये समझते थे कि वो बिगड़ जाएगा और व्यसनी बनेगा। तो गाना सीखने वाले ही बहुत कम थे, क्योंकि शायद ये गायकों के प्रति लोगों की धारणा ये थी कि बस गायक और व्यसन, हाँ एक ही है, एक ही चीज है। लेकिन इससे श्रोताओं की स्थिति में कोई अंतर आता था? जरूर, श्रोता की स्थिति में नहीं आता था, गाने सुनने वाले थे जी। मगर उस वक्त ये नाटक ने बहुत काम किया, किर्दोस्कर के जो नाटक थे, तो मान अपमान से क्लासिकल शास्त्रीय संगीत आने लगा और लोग राग नहीं समझते थे, मगर टकमक पाही इसका राग क्या है ये बराबर जानते थे और राग ना समझे। हाँ। मगर कोई गाने लगा यमन, हाँ ये फलाने मिलता है ये राग है। मगर गवे लोगों के गाना सुनने लगे लोग, थोड़ा सा शौक तो लगा। मगर उस वक्त की धारणा ये थी कि हर एक गवैया ने कमती में कमती हारमोनियम की सफेद चार में गाना ही चाहिए तो गवैया। ये कौन सी शर्त थी? एक धारणा तो थी, इतने ऊंचे गाना ही चाहिए। अच्छा, अगर ये सफेद चार में गाएगा तो अच्छा गायक है, नहीं तो गायक ही नहीं है। हमारे गांव में कोई गवैया आ गया तो पहले पूछते थे कौन से पट्टी में गाता है, पट्टी द फर्स्ट क्वेश्चन। किसी ने बता दिया दूसरी पट्टी में, तो वहाँ क्या गवैया क्या। दूसरी बात, गाना समझने वाले सैकड़ा 2-4% आदमी भी नहीं थे उस वक्त, मुझे क्रिटिकली समझने वाले, मजा लेने के लिए जाते थे, एंटरटेनमेंट, टाइम गवाने के लिए। और जो गवैया बहुत हाथ वाले और मुंह बहुत बिगाड़ता था, शायद इनको जरा ऊपर का रेट कर लेते थे लोग कि ये आवश्यक है ही गाने के लिए। दूसरी बात, गवैया और तब्बल जी में झगड़ा होकर एक आधा साज फूटे डग्गा, तो ये बहुत बड़ी महफिल हो गई, बहुत अच्छी सक्सेस। ये भी एक मनोरंजन का साधन होता है। और दोनों तरफ से ऑडियंस में दो पार्टी हो जाती थी और झगड़ा चलता था, मगर महफिल अच्छी। लेकिन ये फिर ये अभिरुचि धीरे धीरे बदलने कैसे लगी लोगों में? बदलने ऐसी लगी कि नाटक ने बड़ा काम किया। जी हाँ, गाना समझने लगे
तो इनको लगा कि ये गवैये भी यही राग गाते हैं जो नाटक में गाते हैं, बालचंद्र गाता था, जोगलकर गाता था उस वक्त, तो ये अच्छा है। और गाने के प्रति पंडित विष्णु दिगंबर जी के जो प्रोपेगेंडा, इन्होंने जो बहुत बड़ा काम किया जी, तो गाना सीखने लगे और गाने के विद्यालय जगह जगह खुलने लगे, तब अच्छे घराने के लोग भी जाने लगे और गाना समझने लगे। तब तक बम्बई में जब मैं आया 1918 साल में, तब इधर बहुत से घराने थे, मास्टर बुआ का बखले का घराना था जी, आगरा घराना था, किराना घराना था, जयपुर घराने का, नगर जयपुर घराने का देवी से आ गया जी। लेकिन वैसे बम्बई को हम इस सभी घरानों का मंच बम्बई में ये कायम हुआ ये कहना चाहिए। शास्त्रकार भी यहीं थे, भातखंडे तो यहीं रहे। हम लोग कहते थे गवैये के तो घराने है ही, मगर श्रोताओं के भी घराने बनने लगे। अच्छा, मतलब हर एक गाने वाले का एक, एक अपना एक पेटेंट ग्रुप बन गया। पेटेंट ग्रुप बन गया, तो ऐसे है कि इनका जो पेट गवैया है कभी आया, तो आने से जो शुरू हुआ है, तो तंबोरी की खोल निकालने से जो बावा शुरू हो जाती थी, तो आखिर तक चाहे गाना अच्छा गाया बुरा गाया, मगर एक पार्टी ऐसी थी, हर एक का कोई श्रोतागण था। इतने ही नहीं, मगर कई श्रोते ऐसे थे कि जिनको गाना समझता नहीं था, मगर इनका जो खास गवैया, जिनका ये बिल्कुल अभिमानी थे, इन्हीं को किसी ने गाली दी को कुछ कही कुछ कहा तो मारा मारी तक आते थे। और मगर ये बातें आस्ते 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 बदलने लगी, और बात ये हुई कि घराना की जो लिमिट थी वो बहुत स्ट्रिक्ट थी उस वक्त। समझो एक गवैया, अभी एक लड़का है, अच्छा आवाज़ है, इनको गाना सिखाने के लिए जी वो किसी किराने वाले के पास गया, तो इनको पूछा इन्होंने, बोला तुमने दूसरी जगह सीखा है, बहुत देरी लगेगी, मुझे बहुत सब तुम्हारा निकालना पड़ेगा, अच्छा बात डालनी पड़ेगी, बहुत बरस लगेगी। तो वो दूसरे घराने के हर एक घराना दूसरे को कहता था कि वो गलत सिखाया है तुमको। मान लीजिए कोई भी एक उस्ताद बदल के दूसरे के पास जाता है, तो पहले संस्कारों को भुलाना और ये करना तो उसके लिए तो बड़ा मुश्किल ही होता है। मुश्किल तो होता ही है, मगर दूसरी बात ये थी उस वक्त जितने गवैये धंधे वाले गवैये थे प्रोफेशनल, वो सिखाना नहीं चाहते थे। अच्छा, एक बहाना था देरी डालने के लिए कि अस्त नहीं आएगा, तुम्हारा गला पहले नहीं बिगाड़ दिया है, कैसा सिखाऊं, ये हूँ, तो टाइम निकालना। अच्छा अच्छा, किसी ने दरबारी मांगा या ऐसा राग सिखाइए, बोला सरगमा नहीं निकलती, दरबारी मांगता है। और चीजें मैंने मुश्किल बात थी, और चीज एक आधी हाथ लग गई तो इनको लगा कि बस स्वर्ग मिला, हमने आज चीज निकाली गुरु जी से। अच्छा, ये श्रोताओं में था। इसके बाद अलग अलग घराने गाने लगे, और अलग अलग घराने के जलसे इधर बहुत होने लगे। एक सारंगी वाले थे, यहाँ बहुत बुढ़े थे, केसर भाई के साथ करते थे जी। हाँ, मेरे घर में स्कूल में हमेशा आके बैठ जाते थे। देवदर साहब, मैं जब बम्बई में आ गया तब मैं सोलो बजाता था, और मेरा नाम बहुत बम्बई में हो गया। आप लोगों ने हमारा सब धंधा बिगाड़ दिया है। मैंने बोला हम लोगों ने बिगाड़ दिया, ये क्या किया, ये शास्त्र वगैरह सब तुम सब बच्चे बच्ची को बता देते हैं। अरे भाई, हमने कहाँ सीखा, हम सारंगी वाले सुन सुन के बजाते थे, और है ऐसे बैठ के बजाते थे कि बस किसी की फिक्र नहीं। एक दिन लक्ष्मी बाग में हम केदार राग बजाने लगे जी। शायद तुम्हारे स्कूल का लड़का था, लांस बच्चा था, वो सामने बैठा था। जब हम बैठे थे देखते थे, हमको ये मालूम नहीं था कि गंदा पे नहीं ठहरना चाहिए उस राग में। अच्छा, केदार बजाता था, सामने एक दफे ठहरा, तो इन्होंने बचा दिया, उस्ताद जी ये केदार आप बजाते हैं क्या? इन्होंने वाह, केदार में गंदा तो लेते ही नहीं, और आप तो जाके ठहरते हैं ऐसे कैसे जी। उस वक्त से मुझे डर लगी, तो मैंने सोलो बजाना बंद कर दिया। अरे भाई, ये तो दुनिया बहुत शानी हो गई है अभी। और इसके बाद ये भी क्रिटिसिज्म मैंने, जयपुर का गाना, इसमें क्या अच्छी बातें हैं जी। हाँ, किराने में क्या अच्छी बातें हैं, दूसरे जो ग्वालियर में क्या अच्छी बातें हैं जी। हाँ, ये सब जानकर ऐसा एक श्रोता वर्ग निकलने लगा कि तैयार हुआ कि जो हर एक का गाना सुने, और इनके पद्धति से जो कुछ अच्छी बात है इसका करण अच्छी तरह से करें। तो भी कितने सीखे हुए गाना सीखे हुए लोग भी ऐसे रहे आखिर तक कि इनको जो पसंद है, इन्हीं जैसा गाना कोई गाए तो ही बाबा दे, नहीं तो ना बाबा नहीं दे। ये पुणे में मुझे बहुत अनुभव आ गया। ये जो लोगों की समझ बढ़ी है, गुण ग्राहकता बढ़ी है, इसका श्रेय आप किस माध्यम को देना चाहेंगे? ये तो दो चार बातों की है। एक तो
गाने के स्कूल जगह जगह छोटे छोटे गांव में भी निकले। जी हाँ, इससे इनको शिक्षण मिल गया। जी हाँ, शिक्षण मिलने से अच्छा बुरा वो समझने लगे। जी हाँ, दूसरे स्वर ज्ञान बहुत बढ़ गया जो पहले नहीं था। जी हाँ, अब सब जब स्वर ज्ञान हो गया, राग ज्ञान थोड़ा पार हो गया, तो अच्छा कौन है बुरा कौन है, किस में कौन सी बात ज्यादा अच्छी है कौन सी कम अच्छी है, ये समझ पड़ने लगी, इसलिए ये फर्क होने लगा। नहीं, इसका श्रेय आप सिनेमा या टीवी है या रेडियो, आजकल के जो माध्यम है, आधे माध्यम तो रेडियो को देना ही चाहिए। इनको आप देना नहीं चाहेंगे? मैं ये देना ही चाहिए, क्यों कि रेडियो से हर एक का गाना, अभी छोटे छोटे गांव है। जी हाँ, अब वहाँ फैयाज खान कब जाके गाया है? जी नहीं, कभी नहीं गाया। अल्लाह दिया कभी नहीं होंगे वहाँ, पहुंचे भी नहीं है, मगर वहाँ नेशनल प्रोग्राम या इससे अच्छी तरह से गाना सुन लेते हैं। और छोटे छोटे गांव में भी जो गाने के शौकी है, इन्होंने हिंदुस्तान का सभी हर एक गविया सुना है जो रेडियो पे आता है। जी हाँ, इससे इनका ज्ञान भी बढ़ गया है, समझ भी बढ़ी है। तो रेडियो को, ग्रामोफोन को और ज्यादातर रेडियो को जी ये श्रेय देना ही चाहिए। तो इसका मतलब ये है किसी भी श्रोता को उसकी उसको डेवलप करने के लिए कहिए, पहले सुनना ये बहुत आवश्यक है। बहुत आवश्यक, और आज के युग में ये हो गया कि गाना उसके कानों पर बराबर 24 घंटे पड़ने लगा, जो कि पहले जमाने में नहीं होता था। पहले आपने जैसे बताया कि बड़े मुश्किल से, मतलब किसी ने सुर निकाला तो उसको लोग बिगड़ा हुआ समझते थे, और आज ये स्थिति है कि 24 घंटे गाना लोगों के कानों के ऊपर पड़ रहा है। तो देवधर साहब, आपने जो अपना बहुमूल्य समय हमें दिया और श्रोताओं के विकास के बारे में जो जानकारी दी, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। नमस्कार। ये थी बातचीत प्रोफेसर B.R. देवधर से की गई। बातचीत कर रहे थे S. ठकार। आइए अब प्रोफेसर B.R. देवधर का गाया हुआ राग शुक्ल बिलावल सुनते हैं। राग शुक्ल बिलावल अभी आपने सुना। संगीत सरिता में विविध भारती के खजाने से आज हम चुन लाए थे संगीत मनीषी प्रोफेसर B.R. देवधर से बातचीत और उनका गायन।